आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स का बेस्ड क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2022 का हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इनग्रेटेड गुड गवर्नेंस वीक 2022 यानी सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसने किया है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जितेंद्र सिंह है इनेगरेटेड द गुड गवर्नेंस वीक टू टू सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी जितेंद्र सिंह जो है वह सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू द बुक द इंडियन नेवी एट द रेट सेवेंटी फाइव इज रिटेन वाइज यानी द इंडियन नेवी एट द रेट सेवेंटी फाइव जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए रंजीत बी राय हैज द बुक द इंडियन नेवी एट द रेट सेवेंटी फाइव सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए रंजीत बी जो है वह द इंडियन नेवी एट द रेट सेवेंटी फाइव जो पुस्तक है वह लिखे हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर विच स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज विल होस्ट द फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल यानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले आदिवासी शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी करेगा सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर विल होस्ट द फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर जो है वह पहला आदिवासी शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी करेगा mm. इज इन द बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड काश्मीर यह जो फेस्टिवल होगा वह बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड काश्मीर वहां इस फेस्टिवल का इनोग्रेशन होगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर हु लॉन्च इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम रूट्स यानी निवेशक शिक्षा मंच जो है रूट्स उसको किसने लॉन्च किया है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द एच डी एफ सी सिक्योरिटीज है लॉन्च द इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म रूट्स तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी रूट्स इज लॉन्च बाय द एच डी एफ सी सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव। द यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर द ईयर 2023 एज द यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा द्वारा तीस वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन ए द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसका ऑप्शन जो है ए सही है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दो 2023 जो है उसका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से घोषित किया गया है नेक्स्ट इज क्वेश्चन सिक्स आयुर् स्वास्थ्य आयुर्ष स्वास्थ्य योजना इज अंडर विच मिनिस्ट्री यानी आयुर्ष स्वास्थ्य एक योजना है वह किस मंत्रालय के अधीन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह जो योजना है आयुष स्वास्थ्य वह जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी दी आयुष स्वास्थ्य योजना इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन द जनरल ऑफिसर कमांडिंग किलो फोर्स यानी किलो फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए मेजर जनरल मोहित सेठ सो मेजर जनरल मोहित सेठ हैज जनरल ऑफिसर कमांडिंग किलो फोर्स सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए मेजर जनरल मोहित सेठ को जी यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग किलो फोर्स का नियुक्त किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट हु फर्स्ट एवर सियोरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस यानी पहली बार जमानत बॉन्ड बीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन नंबर बी नितिन गडकरी के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांस मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का इनके द्वारा सिक्योरिटी यानी जमानत बॉन्ड बीमा लॉन्च किया गया है सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी नितिन गडकरी एंड दिस बॉन्ड दैट इज सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस product is the this security bond will reduce the dependence of the infra developers that is the infra companies over the bank guarantee yani jo bhi infra companies hai उसका जो bank guarantee अभी जो provide करता है तो इस पर से अब dependence अब खत्म हो जाएगा यानी उसको bank guarantee का जरूरत अब नहीं रहेगा इस security bond के तहत next is question number nine which is फर्स्ट कंट्री टू मैन्युफैक्चर द ग्रीन स्टील यानी ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है स्वीडन जो देश है वह ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला यह पहला देश बन गया है और सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी स्वीडन एंड यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया है लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड दैट इज कल्याणी पेरेस्ता इन न्यू दिल्ली इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कल्याणी ग्रुप यानी जो यूनियन स्टील मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया व भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किए हैं जो कि कल्याणी ग्रुप के द्वारा यह बनाया गया है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन विच कंट्री विल होस्ट द थर्टींथ डब्लू टी ओ मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन 2024, यानी कौन सा देश जो है वह 2024 में तेरहवीं डब्ल्यू टी ओ मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा करेक्ट ऑप्शन द ऑप्शन नंबर डी इन यूएई, एंथ डब्ल्यू टी ओ मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन 2024 विल बी ऑर्गेनाइज सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमीरात में डब्ल्यूटीओ टी ओ मंत्री स्तरीय बैठक की यह मेजबानी करेगा जो कि 26 फरवरी से शुरू होगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 खुज नंबर वन स्मार्ट सिटी इन इंडिया यानी भारत में नंबर वन स्मार्ट सिटी कौन है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी भोपाल इज द नंबर वन स्मार्ट सिटी इन इंडिया सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी भोपाल यानी जो भोपाल शहर है वह भारत में नंबर वन स्मार्ट सिटी है अगला हम लोग कल का जो क्वेश्चन दिए थे इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो कल जो क्वेश्चन था बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन विच ईयर यानी बैटल ऑफ बक्सर जो है किस वर्ष हुआ था इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वह 22 अक्टूबर सत्रह को हुआ था और यह जो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वह फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और इस साइड में तीन अलायंस था इंडियन का नवाब ऑफ अवध नवाब ऑफ बंगाल एंड मुगल फोर्सेस डी फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इज लीड बाय द यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वह हेक्टर मुनरो इसको लीड कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का और अवध के जो नवाब थे वह थे सुजा सुजा उदौला बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और मुगल फोर्सेस का हेड थे शाह आलम टू इसमें जो है यह काफी डिसीसिव बैटल था जिसमें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हेक्टर मुनरो के द्वारा लीड किया गया था यह इसमें विजय रहा था और इसी बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुआ था जो कि सत्रह में यह साइन हुआ था सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर 1764. हंड्रेड सिक्सटी फोर नेक्स्ट है आज का जो क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है आज का जो क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है यह ऑप्शन है इसका चार तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो